सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपको उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, धर्म करने से पाप दूर हो जाता है और मौन रहने से कलह दूर हो जाता है। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल दिमाग और आत्मा लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। आज का पंचांग 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 1:24 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 4:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:22 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, आपके शांतिपूर्ण मन स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचेगी। वे सब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आपकी निजी और व्यवसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। आपके किसी करीबी ने ही उन लोगों तक आपके भविष्य की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है, लेकिन आप इन सब की उपेक्षा कर दें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। कुछ समय से चल रहे तनाव निकालने के लिए अपनी रूटीन भरी दिनचर्या से हट कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तथा खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में किसी गंभीर विषय पर चर्चा रहेगी और आपके सुझाव को प्राथमिकता भी मिलेगी। जिस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उसी प्रकार से मेहनत करने की कोशिश भी करनी होगी। भौतिक सुख भी प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान हो सकता है। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल तुरंत प्राप्त होने लगेगा। जितना जीवन को सकारात्मक समझ रहे हैं वैसी परिस्थिति नहीं है। व्यापार से संबंधित बड़ा फायदा प्राप्त होने से व्यापार के विस्तार के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। पार्टनर के कमिटमेंट प्राप्त करने के लिए अपनी अपेक्षा और भविष्य की चर्चा उनके द्वारा जरूर करें। यूरिन संबंधित तकलीफ महसूस होगी। सावधानियां, इस समय सहज और शांतचित बने रहें। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से परहेज करें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। किसी अशुभ समाचार को सुनकर अपनी मनोस्थिति को विचलित ना होने दें, धैर्य भी रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अगर साथी को मनाना पड़े तो देर ना करें, कुछ उपहार भी दे दें। आप अपनी नौकरी और करियर के लिए अधिक से अधिक समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर रहे हैं। आपके साथी को काफ़ी हद तक यह समझ आ चुका है, लेकिन अब वह गंभीरता के संकेत दे रहा है या दे रही है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफ़ी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफ़ी देर हो चुकी होगी। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आज आप में अधिकता की भावना रहेगी। एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गति से आगे चलेगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे भी ढकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रहे हैं। आपको ये याद करने की जरूरत है कि तो आप इस पद पर आगे की ओर बढ़ रहे थे और उसी पद पर आगे बढ़ते रहें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको ठंड और बुखार परेशान कर सकते हैं। बाहर जाते हुए बहुत सावधान रहें, क्योंकि
अब वायरल की चपेट में आ सकते हैं। ठंड की समस्या तो छोटी सी ही है, लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है, जैसे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने भोजन में काफ़ी बड़े स्तर पर परिवर्तन की योजना बनाएं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले व्यवहारिक रूप से यह जांच कर लें कि आप अपने लिए निश्चित कर रहे हैं, क्या आप उस पर अमल कर पाएंगे। आज का उपाय, आज आप शनिदेव को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।